भाग तीन, परिभाषा और व्याख्या। कामुकता की परिभाषा। अब हम लौटकर इस प्रकरण के शीर्षक में उठाए गए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि कामुकता क्या है और कैसे है। कैसे है का उत्तर इस प्रकरण के यहाँ तक के भाग में प्रस्तुत हो चुका है। यहाँ तक का विवरण परिभाषा निश्चित करने का आधार है। इसी आधार पर अब हम इस प्रश्न का उत्तर देते हैं कि कामुकता क्या है। कामुकता प्रगाढ़ स्पर्श की कामना पर आधारित एक सुखद तनाव है। इस स्पर्श की प्रगाढ़ता को स्वीकार करने वाले मुख्य अंग स्त्री पुरुष के यौनांग हैं। यह उत्तर ही कामुकता की परिभाषा है। शिशन को स्थूल बनाने तथा योनि मार्ग को संकुचित करने के लिए जितने भी उपाय किए जाते हैं उनका उद्देश्य स्पर्श को प्रगाढ़तम बनाना होता है। भारत के प्राचीन यौनाचार्यों तथा चिकित्सकों ने इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जो द्रव्य तथा उपाय सुझाए हैं वे इस पुस्तक के परिशिष्ट में उद्धृत कर रहे हैं। सुखद की विवेचना। अभी बताई गई इस परिभाषा में सुखद शब्द उल्लेखनीय है। सुखद की संक्षिप्ततम परिभाषा प्रस्तुत पुस्तक के आरंभ में दी जा चुकी है कि अनुकूल अवस्था सुखद है। प्रस्तुत प्रकरण एक भाग एक, प्रसंग विषय प्रवेश। भूख के समय आहार अनुकूल स्थिति लाने वाला है, अतः भूख के समय आहार ग्रहण करना एक प्रकार के सुख का आभास देता है। प्यासे को पानी मिलना दूसरे प्रकार का सुख है। कामुकता के प्रसंग में अनुकूल अवस्था की व्याख्या इस प्रकार है। शरीर में अतिशक्ति का एक विशेष सघनता से अधिक मात्रा में संचित रहना प्रतिकूल अवस्था है। इस अतिशक्ति का विसर्जन करना अनुकूल अवस्था को पाना है। अतिशक्ति के विसर्जन के अनेक मार्ग हो सकते हैं। एक मार्ग काम तनाव है। सामान्यतः तनाव प्रतिकूल अवस्था का जनक माना जाता है, किंतु काम संबंधी तनाव प्रतिकूल होकर भी प्रतिकूल नहीं है। यह इसलिए कि यह तनाव पुनः अनुकूल अवस्था की ओर लौटने की एक अनिवार्य कड़ी है। हर्षवर्धक एक स्त्राव। कामुकता के तनाव के दौरान अनिष्ट को रोकने तथा कामुकता को हर्ष युक्त बनाने वाले घटकों की खोज करने पर एक स्त्राव का नाम सामने आता है। यह नाम है सेरोटोनिन का। यह निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता है कि कामुकता को हर्षयुक्त करने वाले घटकों में सेरोटोनिन की कोई भूमिका है भी या नहीं। इस स्त्राव के विषय में जो सूत्र मिलते हैं वे इस प्रकार हैं। संदर्भ 12, प्रकरण 10, प्रसंग मैकेनिज्म ऑफ स्लीप। संदर्भ 10, जिल्द 2, प्रकरण 13, प्रसंग सिनेप्सिस ऑफ CNA। संदर्भ 2, जिल्द 18, प्रकरण इमोशन एंड मोटिवेशन, प्रसंग सेरोटोनिन। सेरोटोनिन नामक स्त्राव मेलाटोनिन का पूर्व रूप है। प्रस्तुत पुस्तक प्रकरण 1 भाग 2, प्रसंग पीनियल बॉडी की भूमिका। सेरोटोनिन शरीर के अनेक भागों में तैयार होता है और सुरक्षा के अनेक कार्य करता है। जो सेरोटोनिन मस्तिष्क के न्यूरॉनों से रिश्ता है वह नींद लाने का कारण बनता है। शामक दवाएं इस स्त्राव को बढ़ाती हैं। उत्तेजना काल में यह स्त्राव उत्तेजना को सम करके अनुकूलन स्थिति लाता है। सेरोटोनिन की अधिक मात्रा से उल्लास की स्थिति बनती है और इंद्रियातीत सुख की अनुभूति होती है। इसकी कमी में अवसाद यानी डिप्रेशन उत्पन्न होता है। पिछले दिनों BBC के एक प्रसारण 6 मार्च 87 के सायंकालीन हिंदी प्रसारण का ज्ञान विज्ञान प्रसंग में डॉक्टर स्किलर के हवाले से यह बताया गया है। हृदय गति रुकने के अनेक कारणों में से एक कारण शरीर में सेरोटोनिन की कमी है। हर्ष, भय आदि भावों के उद्वेग के अवसर पर यदि सेरोटोनिन की पर्याप्त मात्रा बनी रहे तो इन भावों की तीव्रता के बावजूद हृदय आघात से बचा रहता है। कामुकता की अवस्थाओं में हृदय गति तथा रक्तचाप में अतीव वृद्धि होने के बावजूद व्यक्ति अनिष्ट से बचा रहता है। अनुमान है कि उसके अनेक कारणों में एक सेरोटोनिन भी हो सकता है। समापन टिप्पणी।
इस प्रकरण में कामुकता की जो परिभाषा निश्चित की गई है उसके आधार पर अब हम काम संबंधी उन व्यवहारों को परखेंगे जिन्हें अब तक असामान्य कामुकता या विचलित कामुकता या मनोकाम विकारों के अंतर्गत माना जाता रहा है। प्रकरण 4 कामुकता के प्रकार भाग 1 वर्गीकरण के आधार विषय प्रवेश काम तुष्टि की प्रचलित विधियों पर हम नजर डालते हैं तो पाते हैं कि किसी व्यक्ति को अपने ही लिंग के यौन सहचर से सुख मिलता है और कोई विषम लिंगी मैथुन को स्वाभाविक मानता है। किसी को अपने यौन सहचर पर कोड़ा बरसा कर शांति मिलती है और किसी को अपने शरीर पर कोड़ा झेलने में सुख मिलता है और कुछ व्यक्ति काम सुख पाने के लिए किसी अन्य साथी की जरूरत ही नहीं महसूस करते। काम तुष्टि के ये सभी उपाय कभी स्वाभाविक भूख के रूप में अनुभव किए जाते हैं और कभी नियंत्रित प्रतिक्रियाओं के अंतर्गत सुख देते हैं। कामुकता के क्षेत्र में स्वाभाविक भूख से आशय है अतिशक्ति की सघन मात्रा द्वारा हाइपोथैलेमस के काम केंद्र का क्रियाशील होना, फलस्वरूप युव सुलभ हार्मोनों का स्रावित होना। कामुकता के क्षेत्र में नियंत्रित प्रतिक्रिया से आशय है कामोद्दीपन के प्रेरक अंग या उनके प्रतीकों द्वारा युव सुलभ हार्मोनों को दोहन होना। दोहन की व्याख्या के लिए सुने प्रकरण 3 भाग 2 प्रसंग विपरीत प्रक्रिया से हार्मोनों का दोहन। नियंत्रित प्रतिक्रिया का संक्षिप्त परिचय। नियंत्रित प्रतिक्रिया पद का प्रयोग पहली बार रूसी शरीर विज्ञानी पावलो 1849 से 1936 ने किया था। पावलो को पाचन संबंधी अपने प्रयोगों पर सन 1904 में नोबल पुरस्कार मिला था। इसके अतिरिक्त इन्होंने और भी अनेक अनुसंधान किए, उनमें से नियंत्रित प्रतिक्रिया के नियमों का हवाला मनोवैज्ञानिक क्षेत्रों में अक्सर दिया जाता है। नियंत्रित प्रतिक्रिया के अनेक परीक्षणों में से यहाँ केवल लार संबंधी प्रतिक्रिया के अनुसंधानों के कुछ अंशों का सार प्रस्तुत कर रहे हैं। संदर्भ 17 अध्याय 16 प्रसंग इवान पेट्रोविच पावलोव, संदर्भ 18 अध्याय 19 भाग 5 संदर्भ 10 जिल्द 1 प्रकरण 6 प्रसंग कंडीशन सेलिवेटरी रिफ्लेक्स। पावलोव और उनके सहयोगियों ने परीक्षणों के दौरान एक कुत्ते को भोजन देने के साथ घंटी बजाने की प्रक्रिया शुरू की। धीरे धीरे कुत्ते ने समझ लिया कि घंटी की आवाज के साथ भोजन मिलता है। इस अभ्यास के पक्का होने के बाद केवल घंटी बजाई गई, भोजन नहीं दिया गया, फिर भी कुत्ते के मुंह में लार पैदा हो गई। इस परीक्षण से पावलोव ने यह ज्ञात किया कि भोजन रूपी उद्दीपक के साथ लार का उत्पन्न होना एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। भोजन से संबंधित घंटी की आवाज के साथ लार का उत्पन्न होना एक नियंत्रित प्रतिक्रिया है। इस क्षेत्र में किए गए अन्य प्रयोगों के आधार पर पावलोव ने बताया कि नियंत्रित प्रतिक्रिया को स्थायी बनाने के लिए क्रिया की पुनरावृत्तियां आवश्यक हैं। यह प्रतिक्रिया तब तक जारी रह सकती है जब तक माध्यम को बिना भयभीत किए आकृष्ट किया जाता रहे। किसी विशेष प्रकार के पात्र में आहार परोसने से भी लार की प्रतिक्रिया उत्पन्न की जा सकती है, अथवा उस व्यक्ति को देखने से भी यह प्रतिक्रिया हो सकती है जो एक निश्चित समय पर आहार परोसता है। उस व्यक्ति की पग ध्वनि के श्रवण से भी यह प्रतिक्रिया उत्पन्न हो सकती है। पावलोव ने यह निष्कर्ष भी निकाला कि 30-40 पुनरावृत्तियों के बाद यदि स्वाभाविक उद्दीपक अर्थात आहार को हटा दिया जाए तो स्थानापन्न उद्दीपक से भी यह प्रतिक्रिया उत्पन्न की जा सकती है। इसके साथ यह शर्त अवश्य जुड़ी हुई है कि यह प्रतिक्रिया उस आहार के आधार पर उत्पन्न की जा सकती है जिसके स्वाद का अनुभव माध्यम पहले कर चुका हो। कामुकता के क्षेत्र में नियंत्रित प्रतिक्रिया। पावलोव के इस परीक्षण सार का हम कामुकता के क्षेत्र में इस प्रकार मिलान कर सकते हैं कि भोजन के विषय में जो कार्य लार ग्रंथियां करती हैं, कामुकता के क्षेत्र में वही कार्य युव सुलभ ग्रंथियां तथा उसकी सहायक ग्रंथियां करती हैं। पुरुषों में यह सहायक ग्रंथियां हैं काउपर तथा
प्रोस्टेट स्त्री योनि में ग्रंथियों जैसी स्थिति उत्पन्न करने वाले योनि मार्ग के अनेक स्त्राव हैं। इन स्त्रवणकारी ग्रंथियों में बार्थोलिन का नाम प्रसिद्ध है। पावलोव के परीक्षणों में लार उपाजनी का उद्दीपक कारण घंटी विशेष, पात्र विशेष या परोसने वाला व्यक्ति विशेष बताया गया है। कामुकता के क्षेत्र में वैसी प्रतिक्रिया बालों, भरी चौड़ी छाती या पुष्ट स्तनों को देखकर हो सकती है। अन्य उद्दीपक साधनों में अस्थि पेशियों युक्त कसा हुआ शरीर, वसा प्रधान गुदगुदा शरीर, चौड़े कंधे, पुष्ट नितंब, पिंडलियां, टखने, टांगे, बाजू जैसे अनेक अंग हो सकते हैं। इनके अतिरिक्त प्रिय पात्र से संबंधित गंध, अंग विशेष से संबंधित कपड़ा तथा कपड़े का रंग जैसे अनेक प्रतीक उद्दीपक बन सकते हैं। अति संवेदनशील व्यक्ति के लिए मैथुन की प्रतीक कोई क्रिया भी उद्दीपक हो सकती है। उदाहरणतः ताले में कुंजी डालना, सुई में तागा डालना या सुरंग में रेलगाड़ी का प्रवेश करना इत्यादि। कोई लंबी वस्तु शिशन का प्रतीक बनकर अथवा कोई छिद्र योनि का प्रतीक बनकर स्थानापन्न उद्दीपक हो सकता है। उद्दीपक अंग के सामने न रहने पर उद्दीपक अंग या उसके प्रतीक की स्मृति से भी यौनोत्तेजना संभव है। किस व्यक्ति के लिए कौन सा अंग, वस्तु या क्रिया कामोद्दीपक हो सकती है, इसका निर्णय व्यक्ति की यौन चेतना का उदय काल करता है। उस समय के परिवेश की भी इस विषय में भूमिका हो सकती है जब पहली बार यौन चेतना जागती है। कुछ स्पष्टीकरण। प्रश्न उपजता है, क्या कामुकता जैसी प्रवृत्ति को नियंत्रित प्रतिक्रिया के वर्ग में लाना उचित है? यह प्रश्न इसलिए कि नियंत्रित प्रतिक्रिया बाहर से की जाने वाली क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, जबकि कामुकता युव सुलभ हार्मोनों द्वारा उपजी एक स्वतः संचालित क्रिया मानी जाती है। उत्तर। मानव कामुकता की वर्तमान स्थिति को देखकर हम नहीं कह सकते कि मानव का काम व्यवहार केवल स्वाभाविक भूख के कारण स्रावित हुए हार्मोन का परिणाम है। अन्य स्तनधारी जीवों के काम व्यवहार देखने से ज्ञात होता है कि उन जीवों में से अधिकतर के गर्माने का एक समय होता है। वे अपनी अपनी जैव घड़ी के अनुसार उद्दीप्त होते हैं। उनकी तुलना में मानव की जैव घड़ी धूमिल हो चुकी है। मानव की जैव घड़ी को धूमिल करने का कारण है उसका अथाह ज्ञान। अपने ज्ञान के सहारे मानव अपने युग और परिवेश के अनुसार श्रृंगार प्रसाधनों का आविष्कार करता रहा है। संभावित यौन सहचर को आकर्षित करने के उद्देश्य से वह अपनी यौन विशेषताओं को उभारने का आयोजन भी करता रहा है। श्रृंगारिक साहित्यिक, श्रृंगारिक ललित कलाओं तथा पोर्नोग्राफी द्वारा व्यक्ति जब चाहता है खुद उद्दीप्त हो सकता है और अपने सहचर को उद्दीप्त कर सकता है। व्यक्ति की शिथिल काम शक्ति को जब चाहे बढ़ाने के लिए वाजीकरण द्रव्य मानव ने खोज लिए हैं। व्यक्ति द्वारा व्यक्ति को लुभाने वाले हाव भाव जैसे अन्य प्रत्यक्ष या परोक्ष साधनों की गिनती नहीं की जा सकती। यह सब साधन पूरे समाज द्वारा पूरे समाज की काम भावना को संचालित करने वाली बाहरी क्रियाएं हैं। इन बाहरी क्रियाओं की नियंत्रित प्रतिक्रिया है यो सुलभ हार्मोनों का दोहन। यहाँ कामोद्दीपन के कुछ नकारात्मक पहलुओं पर विचार करना भी आवश्यक है। व्यक्ति के आसपास का समाज, उसका संप्रदाय तथा उसकी परंपरा द्वारा लागू की गई कामुकता संबंधी मान्यताएं व्यक्ति विशेष के लिए वास्तविक उद्दीपकों को नकार भी सकती है। व्यक्ति यदि पिता पुत्री, बहन भाई, माँ बेटा जैसे रिश्तों के मध्य काम भाव को अनुचित मानता है तो उसके लिए नर सुलभ यौन विशेषताएं या मादा सुलभ यौन विशेषताएं गौड़ हो जाती है। रिश्तों के संबंध में बनी व्यक्ति की अपनी मान्यताएं मुख्य हो जाते हैं। दूसरे शब्दों में इस बात को हम यूं कह सकते हैं कि एक ओर स्थानापन्न उद्दीपकों द्वारा नियंत्रित प्रतिक्रिया उत्पन्न हो सकती है या उत्पन्न की जा सकती है, दूसरी ओर मान्यताओं और मूल्यों का बल वास्तविक उद्दीपकों को नकार भी सकता है। वर्गीकरण की आधार भूमि। अब हम मान्यताओं से तटस्थ होकर काम तुष्टि के साधनों का वर्गीकरण करना चाहते हैं।
व्यक्ति की रुचि, उसके आसपास का समाज तथा उद्दीपक साधनों की विविधता काम तुष्टि के उपायों में विविधता लाने का कारण बनती है। कामुकता के साथ स्वाभाविक या अस्वाभाविक, सामान्य या असामान्य जैसे विशेषणों से व्यक्ति के निजी पसंद की सूचना मिलती है। उचित यह है कि जैव रसायन के आधार पर काम तुष्टि के प्रचलित उपायों का तटस्थ भाव से वर्गीकरण किया जाए। इन उपायों को उचित या अनुचित ठहराने का कार्य क्षेत्र विशेष के तथा युग विशेष के मनीषियों पर छोड़ दिया जाए। एक चिकित्सा विज्ञानी आहार तत्वों का विश्लेषण करके यह निश्चित करता है कि कौन सा आहार प्रोटीन प्रधान है, वसा प्रधान है या शर्करा प्रधान है। काम तुष्टि के उपायों का वर्गीकरण इस अनुमान के आधार पर किया जा सकता है कि किस उपाय में युव सुलभ हार्मोनों की भूमिका कितनी है और उसके सहायक हार्मोनों में से किस किस की अनुमानित भूमिका कितनी है, और यह भी कि कामुकता की निश्चित की गई परिभाषा प्रस्तुत प्रकरण 3 भाग 3 प्रसंग कामुकता की परिभाषा के अनुसार किस विधि से स्पर्श संवेदना की कितनी तीव्रता का अनुभव हो सकता है। पूर्ण काम सुख कामुकता की जो परिभाषा पिछले प्रकरण में निश्चित की जा चुकी है उसके अनुसार स्पर्श सुख की तीक्ष्णता का अनुभव कराने वाले अंग हैं स्त्री का भाग एवं योनि क्षेत्र, जिन्हें हमने स्त्री यौनांग कहा है, तथा पुरुष का शिशन, इसे हमने पुरुष यौनांग कहा है। इस परिभाषा के अनुसार काम क्रीड़ा का ऐसा कोई भी प्रकार पूर्ण काम सुख के अंतर्गत आ सकता है जिससे स्त्री पुरुष के यौनांग का परस्पर स्पर्श प्रगाढ़ हो सकता है। काम तुष्टि के अन्य साधन अन्य विधियों में से कुछ वे हैं जिनमें एक पक्ष के यौनांगों पर स्पर्श प्रगाढ़ होता है, दूसरे पक्ष का अन्य अंग यौनांग के स्पर्श को प्रगाढ़ बनाने का माध्यम बनता है। काम तुष्टि की कुछ ऐसी विधियां भी प्रचलित हैं जिनमें यौनांग के बजाय अन्य अंग या अन्य वस्तुएं या त्वचा के अन्य क्षेत्र माध्यम बनते हैं। कुछ लोग काल्पनिक स्पर्श प्रकरण 3 भाग 2 प्रसंग बिना स्पर्श के स्पर्श जैसी संवेदना से ही अतिशक्ति का विसर्जन करके अपनी आंतरिक स्थिति को अनुकूल बना लेते हैं। इन सभी उपायों से काम तुष्टि पाने वालों के अपने तर्क हैं। इन तर्कों को भी हम सामने लाना आवश्यक समझते हैं। पूर्ण काम सुख के अतिरिक्त काम सुख पाने की कुछ अन्य प्रचलित विधियों की चर्चा हम इन शीर्षकों के अंतर्गत कर रहे हैं। 1 आत्मनिर्भर कामुकता, 2 पर निर्भर कामुकता, 3 मिश्रित कामुकता। भाग 2 आत्मनिर्भर कामुकता। हस्त चालन मैस्टरबेशन। काम तुष्टि की इस विधि का पूर्व प्रचलित नाम हस्त मैथुन है। मैथुन शब्द स्त्री पुरुष के संभोग का द्योतक है, जबकि यह अकेले व्यक्ति की क्रिया है। इस क्रिया के लिए हस्त चालन पद अधिक उपयुक्त है। आत्मनिर्भर काम तुष्टि के साधनों में हस्तचालन की विधि सबसे अधिक प्रचलित है। सामाजिक परिवेश के अनुसार कहीं इसे खुलेआम स्वीकार किया जाता है, कहीं यह विधि ढके छिपे रूप में काम तुष्टि का साधन बनती है। इस विधि में पुरुष अपने शिशन मुंड पर हथेली से घर्षण करके काम तनाव को उत्कर्ष तक ले जाता है। स्त्रियां अनेक विधियों द्वारा अपने भग्नाशा अथवा योनि मार्ग पर स्पर्श बढ़ाकर काम सुख की पराकाष्ठा का अनुभव करती हैं। इस एक पक्षीय काम सुख में नवीनता लाने के लिए कुछ यौन सहचर एक दूसरे के सहायक भी बनते सुने गए हैं। हस्ताचलन की पहली उकसाहट सामान्यतः अतिशक्ति की सघन मात्रा के कारण होती है। उसमें हाइपोथैलेमस के आवेग तथा इनसे प्रेरित हार्मोन अपनी भूमिका निभाते हैं। काम सुख पाने की इस विधि में चूंकि अन्य साथी की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए इस विधि का प्रयोग विश्व में सबसे अधिक होता है। हस्तचालन से संबंधित एक पक्ष यह भी है कि तनिक सी उकसाहट होते ही व्यक्ति अपने यौनांग पर स्पर्श बढ़ाकर उकसाहट से छुट्टी पा लेता है। ऐसे हस्तचालन में उकसाहट की उपजने तथा उसके शमन के मध्य का समय बहुत कम होता है।
इतने कम समय में उद्दीपनकारी स्नायु संस्थान पूरे तौर पर भाग नहीं ले पाता। इसका फल यह होता है कि इस अभ्यास की पूर्णता के बाद व्यक्ति को पूर्ण तृप्ति का आभास नहीं होता। यह अतृप्ति व्यक्ति को पुनः पुनः इस अभ्यास के लिए प्रेरित करती है। स्वप्नगत कामुकता। इस प्रकार की कामुकता के लिए हिंदी में पूर्व प्रचलित पद स्वप्न दोष है। दोष शब्द पूर्वाग्रह की सूचना देता है। इस कामुकता के लिए अंग्रेजी में नाइट डिस्चार्ज या नॉक्टर्नल एमिशन यानी रात्रिकालीन स्राव पद प्रचलित है, जो वीर स्राव की ओर संकेत करता है। यह पद भी एक पक्षीय निर्णय देता है, यह इसलिए कि स्वप्न में कामोत्कर्ष स्त्रियां भी प्राप्त करती हैं, किंतु उनके चरम सुख के समय वीर विसर्जित नहीं होता। तटस्थ भाव से विचार करते हुए तथा स्त्री पुरुष की कामुकता को एक समान मानते हुए मुझे इस प्रकार की कामुकता के लिए स्वप्नगत कामुकता पद उचित लगा है। ब्रिटेनिका में स्वप्न संबंधी खोजों में से कुछ एक का सार इस प्रकार है। संदर्भ 2, जिल्द 27, प्रकरण स्लीप एंड ड्रीम्स, प्रसंग फिजियोलॉजिकल ड्रीम रिसर्च। स्वप्न अवस्था में सांस की गति बढ़ती है तथा मस्तिष्क की विद्युत धाराओं में परिवर्तन होता है। स्वप्न अवस्था की नींद में नार एड्रिनेलिन, प्रस्तुत पुस्तक, प्रकरण 2, भाग 2, प्रसंग एड्रिनल मध्य भाग, नामक स्राव बढ़ता है। अन्य प्रकार की नींद में सेरोटोनिन, प्रस्तुत पुस्तक, प्रकरण 3, भाग 3, प्रसंग हर्षवर्धक 1, स्राव का स्राव अधिक होता है। ब्रिटेनिका के इसी प्रकरण में आगे नॉक्टर्नल एमिशन के प्रसंग में कहा गया है, रात्रिकालीन वीर्य स्राव स्वप्नावस्था की क्रिया नहीं है, बल्कि स्वप्नवत क्रिया है। इस क्रिया का दूसरा उदाहरण नींद में चलना है। ब्रिटेनिका के ही एक अन्य प्रकरण में स्वप्नगत कामुकता के विषय में जो जो जानकारी दी गई है, उसमें यहाँ विचार करने योग्य सूत्र इस प्रकार है। संदर्भ 2, जिल्द 27, प्रकरण सेक्स एंड सेक्सुअलिटी, प्रसंग ह्यूमन बीइंग्स सॉलिटरी बिहेवियर। 1, नींद में काम संबंधी चरमोत्कर्ष पाना मानव की विशेषता है। 2, स्वप्नगत कामुकता का कारण वीर्य का संचय नहीं माना जाना चाहिए, यह इसलिए कि यह कामुकता स्त्रियों में भी पाई जाती है, जबकि उनमें वीर्य नहीं होता। 3, किशोरावस्था में इस कामुकता की पुनरावृत्ति अधिक होती है। उम्र बढ़ने के साथ पुनरावृत्तियों के मध्य का अंतराल बढ़ जाता है। 4, इस कामुकता की पुनरावृत्ति स्त्रियों में कम तथा पुरुषों में अधिक होती है। स्वप्न तथा स्वप्नगत अवस्था की चर्चा के साथ देवास स्वप्न यानी डे ड्रीम्स के विषय में कुछ प्रकाशित सामग्री का सार देना उचित है। संदर्भ 19, प्रकरण 14, प्रसंग देवास स्वप्न। 1, देवास स्वप्न कल्पना का ही रूप है। बचपन और किशोरावस्था में देवास स्वप्न अधिक देखे जाते हैं। बड़ी उम्र के व्यक्तियों द्वारा देवास स्वप्न देखे जाना मानसिक रोग का लक्षण माना जाता है। 2, दिवा स्वप्नों में उद्दीप्त या दबी हुई इच्छाओं का प्रदर्शन होता है। इन सूत्रों के साथ अन्य बिखरे हुए स्रोतों से मुझे जो जानकारी मिली है, उसमें अपने अनुमान सम्मिलित करके इस कामुकता के विषय में अपने निष्कर्ष प्रस्तुत करता हूँ। स्वप्नगत कामुकता के मुख्य घटक हैं: 1, कल्पना शक्ति, 2, कामुकता संबंधी पूर्व अनुभवों की स्मृति, 3, दूसरों के काम अनुभवों पर आधारित जानकारी तथा 4, अतिशक्ति की सघन मात्रा। कल्पनाशीलता मानव का विशेष गुण है, संभवतः इसीलिए स्वप्नगत कामुकता पशुओं में नहीं पाई जाती। इस संभावना से यह अनुमान भी लगाया जा सकता है कि मानवों में जो जन अधिक कल्पनाशील होते हैं, उनमें इस प्रकार की कामुकता की संभावना अधिक होनी चाहिए। काम संबंधी अपना अनुभव ना हो किंतु अति शक्ति की संचित मात्रा शरीर में विद्यमान हो, तो दूसरों के अनुभव पर आधारित ज्ञान व्यक्ति को स्वप्नगत कामुकता से सराबोर कर सकता है। कामोत्तेजक रचनाएं अथवा पोर्नोग्राफी इस जानकारी का आधार बन सकती हैं।
पोर्नोग्राफी के आधार पर 6-7 साल के शिशु को स्वप्नगत कामुकता का अनुभव नहीं हो सकता। यह इसलिए कि उसमें अति शक्ति की सघनता का अभाव होता है। हाँ, पोर्नोग्राफी उसके लिए उत्सुकता का विषय या जुगुप्सा का विषय हो सकती है। यह ठीक है कि वीर्य संचय स्वप्नगत कामुकता का कारण नहीं है। इसका वास्तविक कारण अति शक्ति की सघन मात्रा है, जिसकी व्यवस्था स्त्री और पुरुष में लगभग एक समान होती है। कल्पना तथा अति शक्ति का मेल हाइपोथैलेमस के काम संबंधी मुख्य केंद्र टूबर सिनेरियम को तथा उद्दीपनकारी स्नायु संस्थान को उद्दीप्त करता है, जिसका परिणाम यह होता है कि व्यक्ति उन साधनों या व्यक्तियों को स्वप्न काल में एकत्र करता है जो जागरण काल में उसे मिल नहीं पाए या उनसे उसका जी पूरे तौर पर नहीं भरा। उनसे रति क्रीड़ा निभाने की कल्पना से व्यक्ति का रक्त उत्तप्त होता है, इससे अतिशक्ति का तनिक सा भाग विसर्जित हो जाता है। यहाँ तनिक शब्द पर जोर देने की जरूरत है। यह इसलिए कि तत्कालीन अतिशक्ति का पूरा निचोड़ इस कामुकता से नहीं होता। यही कारण है कि स्वप्नगत कामुकता के बाद जागरण काल में शमन अवस्था का आभास उतना गहरा नहीं होता जितना प्रत्यक्ष काम तुष्टि के साधनों में होता है। जिन्हें जागरण काल में काम तुष्टि का पर्याप्त अवसर मिलता रहता है, उनके लिए स्वप्नगत कामुकता अनावश्यक हो जाती है। अतः वास्तविक मैथुन से संतुष्ट व्यक्ति को सामान्यतः कामात्मक स्वप्न दिखाई नहीं देते। किशोर अवस्था में काम संबंधी उत्साहट में नवीनता होती है, साथ ही दिवा स्वप्न देखने की उम्र भी यही होती है। अतः इस आयु में स्वप्नगत कामुकता का अनुभव अधिक बार होता है। यदि हम अतिशक्ति की सघन मात्रा को कामुकता का आवश्यक घटक मानते हैं, तो हम भरोसे से कह सकते हैं कि स्त्री और पुरुष में यह कामुकता एक समान होती है। लेकिन आंकड़े इस कथन को झुठलाते हैं। इन आंकड़ों का आधार यदि हम समझ लेते हैं, तो हम यथार्थ का अनुमान कर सकते हैं। वह यूं कि जितने सामान्य स्वप्न स्त्री पुरुषों द्वारा देखे जाते हैं, उनमें से बहुत कम जागरण काल में याद रह पाते हैं। दिवा स्वप्नों की तो गिनती ही नहीं की जा सकती। अधिकतर स्वप्नों की विस्मृति को यथार्थ मानते ही स्वप्नगत कामुकता के आंकड़ों का रहस्य हमारी समझ में आ जाता है। वह यूं कि पुरुष की स्वप्नगत कामुकता का समापन आम तौर पर वीर विसर्जन के साथ होता है। यह विसर्जन अधोवस्त्र को या शरीर के निचले अंगों को चिपचिपा कर देता है। नींद खुलने पर यह चिपचिपाहट स्वप्नगत कामुकता की याद दिला देती है और वह स्वप्न आंकड़ों की इकाई बन जाता है। स्वप्नगत कामुकता के समापन पर स्त्रियां वीर विसर्जित नहीं करती, इसलिए उनके अधोवस्त्रों की चिपचिपाहट की संभावना नहीं होती। यही कारण है कि स्त्रियां अन्य स्वप्नों की तरह कामोत्तेजक स्वप्नों को भी भूल जाती हैं। इन्हें केवल वे ही कामात्मक स्वप्न याद रहते हैं जिनमें उन्हें विशेष सुख की अनुभूति हुई होती है। अतः स्त्रियों के बहुत कम कामात्मक स्वप्न आंकड़ों की इकाई बन सकते हैं। यौनांग प्रदर्शन की प्रवृत्ति या एक्सिबिशनिज्म। इस प्रवृत्ति के अधीन व्यक्ति अपने यौनांग का प्रदर्शन करके काम सुख पाता है। अमेरिका की महिला सर्वेक्षण करती श्रीमती शेरे हाइट ने स्त्री पुरुषों की कामुकता का सर्वेक्षण करने के लिए कुछ प्रश्नावलियां प्रचारित की थीं। उनमें स्त्रियों के लिए संबंधित प्रश्नावली में एक सवाल यह भी था, संदर्भ 20 प्रकरण अपेंडिक्स प्रसंग क्लाइटोरल स्टिम्युलेशन, आप अपनी योनि तथा जनन क्षेत्र को सुंदर समझती हैं या भद्दा। सन 1973 में किए गए 2 सर्वेक्षणों में इस प्रश्न का उत्तर 932 महिलाओं ने दिया। उनमें से 347 ने इसे सुंदर या मोहक कहा, 114 ने इसे भद्दा माना, शेष 471 के उत्तर अस्पष्ट थे। इन्हीं श्रीमती हाइट द्वारा रचित संपादित पुस्तक दी हाइट रिपोर्ट ऑन मेल सेक्सुअलिटी में पुरुष के शिक्षण के संबंध में इस प्रकार के आंकड़े नहीं छपे।
लेकिन इस पुस्तक में अनेक स्थल ऐसे हैं जिनसे अपने शिशन के विषय में पुरुषों की प्रतिक्रियाएं ज्ञात हो जाती हैं। संदर्भ 21 प्रकरण 3 प्रसंग पेनिस साइज। इन प्रतिक्रियाओं के ज्ञान से तथा समाज में विचरण करते हुए यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि पुरुष बड़े आकार के अपने हर्षित शिशन पर सामान्यतः गर्व का अनुभव करते हैं और अपने छोटे आकार के शिशन को देखकर सामान्यतः पुरुषों को हीनता का आभास होता है। मास्टर्स एंड जॉनसन के अनुसंधान बताते हैं कि शिशन के आकार का काम शक्ति से संबंध नहीं है। संदर्भ 13 प्रकरण 12 भाग 1 प्रसंग पेनाइल फैलसीज। फिर भी शिशन संबंधी दंत कथाओं के प्रभाव के कारण कई व्यक्ति अपने शिशन के प्रति शंकित और कई व्यक्ति श्रेष्ठत्व से विभोर रहते हैं। श्रेष्ठत्व की यही अनुभूति जब असामान्य हो जाती है तो यौनांग प्रदर्शन प्रवृत्ति का जन्म होता है। ब्रिटेनिका के अनुसार संदर्भ 2 जिल्द 4 प्रसंग एक्सहिबिशनिज्म। मैथुन काल में अपने यौन सहचर के सामने अपने यौनांग प्रदर्शित करना एक सामान्य बात है। यह क्रिया असामान्य तभी समझी जाती है जब सार्वजनिक स्थल पर की जाती है। इसी प्रसंग में प्रदर्शनकारियों की मानसिकता के विषय में ब्रिटेनिका में ये सूत्र दिए गए हैं। 1. यौनांग प्रदर्शनकारी आमतौर पर खतरनाक नहीं होते। 2. यह प्रवृत्ति पुरुषों में अधिक होती है। 3. प्रदर्शनकारी की यह क्रिया काम उत्तेजित होने के लिए नहीं होती, बल्कि इस क्रिया द्वारा प्रदर्शनकारी अपने शिकार को डराना चाहता है या उसकी प्रतिक्रिया जानना चाहता है। इसी प्रसंग में आगे विशेषज्ञों का हवाला देते हुए बताया गया है, स्त्रियों के शरीर प्रदर्शन को समाज ने स्वीकार किया हुआ है, इसलिए स्त्रियों की प्रदर्शन प्रवृत्ति को असामान्य नहीं माना जाता। प्रदर्शनकारी से यदि पूछा जाए कि वह अपने यौनांग का प्रदर्शन क्यों करता है तो शायद वह स्वयं इसका कारण न बता पाए। उसकी मानसिक स्थिति को हम अनुमान द्वारा जानने का यत्न करते हैं। अपने अतिरिक्त साधनों का प्रदर्शन करना सामान्य बात है। बच्चा अपने अच्छे खिलौने देखा कर श्रेष्ठत्व का अनुभव करता है। वयस्क अपनी हैसियत के अनुसार अपनी ऊंची सामाजिक स्थिति दिखाना चाहता है। कभी वह अपने बहुमूल्य फर्नीचर को दिखाकर गौरव का अनुभव करता है। कभी नई मॉडल की कार जैसी वस्तुएं किसी बहाने से प्रदर्शित करता है। ये सब दिखाकर व्यक्ति के अहम को तुष्टि मिलती है। कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति यदि अपने अतिरिक्त साधनों में शिशन को मान बैठे तो वह बड़ी सरलता से यौनांग प्रदर्शनकारी बन सकता है। प्रदर्शनकारी की मानसिक स्थिति के पीछे उसकी यह जानकारी हो सकती है कि समाज में पुरुषों को विशेषाधिकार मिले हुए हैं। पुरुष की खास निशानी उसके पास है। खुद को विशेषाधिकारियों का पात्र प्रकट करने के लिए वह अपना शिशन दिखाकर अहंकार से भर सकता है। वह यौनांग प्रदर्शित करके मानो यह विज्ञापित करता है कि उसके पास एक ऐसा अंग है जिसकी किसी को तलाश है। संभावित इच्छुक जो कोई लड़की हो सकती है यौनांग को देखकर यदि हंस पड़े या जुगुप्सा प्रकट करे या लजा जाए या भयभीत हो जाए तो प्रदर्शनकारी लड़की की इन क्रियाओं का अर्थ अपनी मर्जी से लगाने के लिए स्वतंत्र होता है। मसलन यह कि हंसना स्वीकृति की निशानी है, खिरना बनावटी है, लाज का अर्थ है अपने को हीन मानना और जिसके कारण लाज उपजी है उसे श्रेष्ठ मानना। प्रदर्शनकारी की अपनी संकलित की हुई डिक्शनरी में भय की व्याख्या यह हो सकती है कि मेरे पास एक ऐसा शस्त्र है जो दर्शक को डरा सकता है, इस दृष्टि से मैं श्रेष्ठ हूँ। शिकार की ऐसी प्रतिक्रियाओं की अन्य व्याख्याएं भी प्रदर्शनकारी के मन में हो सकती हैं। कामुकता की हमारी परिभाषा के अनुसार कामुकता की आवश्यक शर्त स्पर्श की प्रगाढ़ता है। इस परिभाषा के अनुसार प्रदर्शनकारी का यह व्यवहार कामुकता की श्रेणी में नहीं आता, किंतु यौनांग की हर्षित अवस्था यह प्रकट करती है कि युव सुलभ हार्मोनों ने अपनी भूमिका निभाई है। इसलिए काम तृप्ति की इस विधि को अपूर्ण कामुकता के अंतर्गत लिया जा सकता है।
प्रदर्शनकारी की प्रदर्शन क्रिया एक प्रकार की प्राक क्रीड़ा भी मानी जा सकती है, जो काल्पनिक स्पर्श जैसा प्रभाव रख सकती है। प्रस्तुत पुस्तक प्रकरण 3 भाग 2 ग प्रसंग बिना त्वचा के स्पर्श जैसी संवेदना। उसके बाद की क्रिया समाज के सामने नहीं होती, किंतु अनुमान है कि इस क्रिया द्वारा उत्तेजित होने के बाद प्रदर्शनकारी एकांत में अपने यौनांग पर स्पर्श प्रहार करके शमन अवस्था पाता होगा। लोचन प्रेरित कामुकता या वॉयरिज्म। व्यक्ति में अतिशक्ति की मात्रा कम बनती हो या इस शक्ति का सीमा से अधिक विसर्जन किया जाता हो, दोनों स्थितियों में शरीर में अतिशक्ति विघन हो सकती है, किंतु मस्तिष्क के स्मृति केंद्रों में कामुकता का सुखद आभास बना रहता है। इस आभास को पुनः क्रियान्वित रूप देने के लिए जीवन शक्ति को अतिशक्ति में बदलने की जरूरत पड़ती है। इस रूपांतरण के लिए कुछ लोग वाजीकरण औषधियां लेकर अपनी काम उत्साहट को उद्दीप्त करते हैं और कुछ लोग कामोद्दीपक दृश्य देखकर स्वयं को उद्दीप्त करते हैं। मध्य युग के विलासी राजे नवाबों के विषय में दंत कथाएं प्रचलित हैं कि वे अपने सामने अनेकों जोड़ों से मैथुन कराकर स्वयं को उद्दीप्त करते थे। नए जमाने के उसी प्रवृत्ति के लोग अब भी हैं जो रति गृह के द्वार में बने किसी छिद्र से रति क्रिया देखने का यत्न करते हैं, अथवा दूरबीन से सुदूर सागर तटों पर विचरते नग्न शरीर देखते हैं। लोचन द्वारा उद्दीप्त होने की हल्की सी प्रवृत्ति सामान्य व्यक्तियों में होती है। सार्वजनिक स्थानों पर पशुओं के मध्य होने वाली काम क्रीड़ा को देखने के लिए अनेक लोग रुक जाते हैं। कुछ लोग रुकना चाहते हैं, लेकिन अपनी सामाजिक स्थिति या लोकलाज के कारण रुक नहीं पाते। उन मर्यादित लोगों में से अनेक अपने तकिए के नीचे कामोद्दीपक सचित्र पुस्तकें तथा वीडियो के पोर्नो कैसेट रखते हैं। ये सब लोचन प्रेरित कामुक होते हुए भी सामान्य माने जाते हैं। ब्रिटेनिका के अनुसार संदर्भ 2 जिल्द 12 प्रसंग वॉयरिज्म। लोचन प्रेरित कामी उन्हें कहा जाता है जो जोखिम उठाकर नग्न शरीरों को या रति क्रिया को देखना चाहते हैं, और उनकी काम तुष्टि इसी माध्यम से हो जाती है। लोचन प्रेरित कामुकता को प्राक क्रीड़ा का एक प्रकार भी माना जा सकता है, जिसके समापन के बारे में अनुमान है कि कर्ता किसी विधि से अपने यौनांग पर स्पर्श प्रहार करता होगा। भाग 3 पर निर्भर कामुकता। विषय प्रवेश। पर निर्भर कामुकता के अंतर्गत सबसे अधिक लोकप्रिय विधि यह है जिसके अंतर्गत शिशन का योनि मार्ग में प्रवेश होता है। उसकी चर्चा हमने इसी प्रकरण के आरंभिक भाग में पूर्ण कामुकता शीर्षक के अंतर्गत की है। इस भाग में हम काम सुख पाने के उन उपायों की चर्चा कर रहे हैं जिनमें स्त्री पुरुष के यौनांगों का परस्पर स्पर्श नहीं होता, बल्कि एक पक्ष के यौनांग पर स्पर्श प्रहार बनाया जाता है और इस स्पर्श को प्रहार बनाने में अन्य पक्ष का अन्य अंग माध्यम बनता है। इस भाग में चर्चित उपाय हैं क समलिंग गमन यानी होमोसेक्सुअलिटी, ख मुख मैथुन यानी ओरल सेक्स। समलिंग गमन, स्त्री का स्त्री के माध्यम से तथा पुरुष का पुरुष के माध्यम से काम तुष्टि पाना समलिंग गमन कहलाता है। स्त्री समलिंग गमन के लिए पश्चिमी देशों में प्रचलित शब्द लेस्बियनिज्म है, तथा पुरुष समलिंग गमन के अंतर्गत दो क्रियाएं आती हैं, गुदा पथ भेदन सुख यानी एनल पेंट्रेशन तथा गुदा पथ व्यापन सुख यानी एनल स्टिम्यूलेशन।